गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू आवर कैट चैनल केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग जो केमिस्ट्री क्लासेस में आज एक नया चैप्टर का शुरुआत होने वाला है, उसका नाम है एमीन्स ऑर्गेनिक का चैप्टर है, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है एमीन, ठीक है, ऑर्गेनिक का पार्ट है ये। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमीन को। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे एमीन का सारे इंट्रोडक्शन, एमीन को किस तरह से पहचानते हैं, एमीन्स का बाद में हम लोग इसके प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो आज तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एमीन से मिलाने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ कि एमीन्स क्या है, आप उसको कैसे पहचानिएगा, कैसे आप उसे जान पहचान बनाइएगा। तो सबसे पहले आप इसका इस क्लास में इस लेक्चर में आप एमीन को पहचानना सीख लो, एमीन से जान पहचान बनाइए, ठीक है, एनिमल्स एमीन से आप मिल लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमीन्स है, तो कहता है एमीन्स, बोला जाता है कि एमीन्स क्या है ना, डेरिवेट्स ऑफ एमोनिया है। एमोनिया का नाम तो आपने सुन रखा है, एमोनिया बोलते हैं NH3 को एमोनिया बोलते हैं, जिसको हम लोग लेविस बेस के नाम से भी जाना करते हैं। एमोनिया को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको लेविस बेस के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एमोनिया को निकोलियोफाइल के नाम से जाना करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर सबसे पहली बात है, मैं एमोनिया के बारे में बताना चाहूँगा। ये है एमोनिया, NH3 है, अमोनिया है। उसके ऊपर आपने क्या देख रहा है कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी है। और जिसके ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लेविस बेस के नाम से भी जाना जाता है, आप ऑर्गेनिक में इसको न्यूक्लियोफाइल भी बुला सकते हैं, यही अमोनिया है। तो एमीन्स क्या है, इससे काफ़ी इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर आप अमोनिया को इसके पेरेंट्स मान लो, अमोनिया को अगर इसके पेरेंट्स, अगर अमोनिया पेरेंट्स है तो ये जो है एमीन उसके ऑफस्प्रिंग है। सिंपल सी बात है, मतलब कह सकते हैं कि अमोनिया से इवॉल्व हुआ है एमीन, ठीक है। अमोनिया का ये प्यारा सा डेरिवेट्स है, ठीक है, एमीन अमोनिया का एक डेरिवेट्स है। डेरिवेट्स का मतलब क्या है कि ये अमोनिया से ही आया है। तो हम लोग एमीन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एमीन्स क्या है, इट इज द डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया, इट इज द डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया। सबसे पहले बात है एमीन्स को अगर हम लोग ऊपर से लिखना चाहते हैं, आप हमारे साथ लिखते रहिए कि इट इज डेरिवेट्स, एमीन्स क्या है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एमीन्स आर द डेरिवेट्स ऑफ, एमीन्स आर द डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ये डेरिवेट्स है, अमोनिया से आया है, ठीक है। विच इज फॉर्म्ड किस तरह से बनता है, विच इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये है, अगर हम अमोनिया इसका फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो ध्यान देंगे आप कि कहता है एमीन्स आर द डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ये डेरिवेट्स है। एमीन्स क्या है, अमोनिया का डेरिवेट्स, मीन्स अमोनिया से इवॉल्व होगा। कैसे बनेगा आप, विच इज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। सपोज यहाँ पे हमने अमोनिया लिख लिया, ये NH3 है, इससे एक H हमने निकाला है, एक H यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है, और ध्यान देंगे एक H रिप्लेस किया है। सबसे पहले यहाँ पे एक H रिप्लेसमेंट से क्या बनेगा, NH2 यहाँ पे रख देंगे। अब जितना H आप रिप्लेस कर रहे हो उतना अल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, एक H रिप्लेस हो रहा है, एक तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच कर देते हैं। तो ये सब क्या है आपका, ये R यहाँ पे अटैच हुआ, तो ये तो था अमोनिया, ये क्या था अमोनिया, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एमीन्स तैयार हुए, ये अमोनिया है और ये एमीन है, ठीक है। अल्काइल एमीन के नाम से उसे जाना जाता है, अल्काइल एमीन। नोमेनक्लेचर की बात में करेंगे, ऐसे आप लिख सकते हो साथ साथ, इतना तो क्लियर ही है कि अल्काइल एमीन इसको बोला जा सकता है। आप अगर
कॉमन नेम में आते हो तो ये अल्काइल अमीन है। तो एक एक जितना हाइड्रोजन आप हटाओगे उतना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप को जोड़ देना है और आपका अमीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लें कि हम इससे दो हाइड्रोजन निकाल लें, इससे हम क्या करते हैं दो हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, इस एमोनिया से दो हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, समझ रहे हैं, इस एमोनिया से दो हाइड्रोजन अगर निकाल लीजिएगा तो कितना अल्काइल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, दो बार। आज जब दो हाइड्रोजन इससे निकलेगा तो कितना बच जाएगा, एक तो हाइड्रोजन बच जाएगा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा। आप उसके जगह पे दो ठो अल्काइल ग्रुप आके आपस में यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, क्लियर। एक हाइड्रोजन निकाले तो एक अल्काइल ग्रुप, दो हाइड्रोजन निकाले तो दो अल्काइल ग्रुप। अब मैं चाहता हूँ कि इससे तीन हाइड्रोजन निकाल दूँ, जब तीन हाइड्रोजन मैं इससे निकालूंगा तो इस पर कितने अल्काइल चढ़ेंगे, 3R। तो तीनों निकल चुका है तो बच जाएगा एक, बाकी आप इसको इस तरह से लिखा कर सकते हैं, क्लियर। एक हाइड्रोजन निकला फिर भी अमीन, दो हाइड्रोजन निकला फिर भी अमीन तैयार हुआ, तीन हाइड्रोजन निकला तो अमीन तैयार हुआ। बात अलग है, अलग अलग प्रकार के अमीन तैयार हुए हैं, ठीक है। ये अल्काइल अमीन है, डाई अल्काइल अमीन इधर बना है, ये जो बना है क्या बना है, डाई अल्काइल अमीन, ठीक है, और ये बना है ट्राई अल्काइल अमीन, ट्राई अल्काइल अमीन। तो किस तरह से आप देख रहे हो कि आपका फॉर्मेशन हो रहा है एमोनिया से अमीन, ये बात तो समझ में जरूर आ गई होगी हमारे बच्चों लोग कि ये जो है अमीन एमोनिया का डेरिवेट्स है, ठीक है। तो एमोनिया का डेरिवेट्स क्या कहलाएगा, अमीन कहलाएगा। तो आप एमोनिया को मान लो पेरेंट और उसके जो जो इससे इवॉल्व हुआ है ये सब उसके बाल बच्चे हो गए, क्लियर। ये यहाँ तक अमीन क्या लिया को मैंने लिया, एक्चुअली अमीन की जो अमीन एक्चुअली एक तरह से जो है शुरू में क्या देखा गया, साउथ अमेरिका में एक फ्रॉग पाया जाता है, उस कहानी थोड़ा सुनाता हूँ अमीन का, ठीक है। जब साउथ अमेरिका में, ठीक है, एक कोलम्बियन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, डार्ट फ्रॉग जिसको बोलते हैं, पॉइजनस होता है डार्ट फ्रॉग, तीव्र गति का फ्रॉग होता है, दौड़ने वाला, ठीक है। तो डार्ट फ्रॉग कैसा होता है, थोड़ा ब्यूटीफुल होता है, आकर्षित भी होता है, उसके बॉडी में काफ़ी चमक होते हैं, साइनिंग होता है, उसका बॉडी काफ़ी साइनिंग होता है, और साइनिंग क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीन, एक टॉक्सिक सब्सटेंस उसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इस कारण उसका बहुत ही साइनिंग और ब्यूटीफुल दिखता भी है, छोटा भी है, साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसके बॉडी से जो टॉक्सिन निकलता है, ठीक है, इसके बॉडी से एक टॉक्सिन निकलता है, ठीक है, वो क्या है, अमीन है, अमीन कंपाउंड ये है जो कि एक पैरालाइजिंग काउजिंग एजेंट है, पैरालाइज करता है, जैसे कि ये इससे जो बॉडी से टॉक्सिन निकलेगा तो क्या करता है, पैरालाइज काउजिंग एजेंट, अगर किसी को किसी पे इसका अटैक हो गया इस फ्रॉग का तो क्या करता है, उसके न्यूरो ट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है, न्यूरो ट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है। आपने बायोलॉजिक की बातें हैं ये कि न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब जब आपस में दो न्यूरॉन के बीच में जो केमिकल क्रॉस करता है उसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर वही उसी बात है कि अमीन के बारे में शुरू में स्टार्टिंग आइडिया मतलब कि साउथ अमेरिका में एक फ्रॉग पाया जाता है वहाँ पर, इसको और भी इसके अलग अलग यूज है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश किया कि अमीन हमारे के न्यूरो ट्रांसमीटर में भी है जो कि एसिटाइल कॉलिन के नाम से जानते हैं, एसिटाइल कॉलिन, ठीक है, के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, ध्यान देंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, मान के ये चलिए, ठीक है, ये हो गया CH3, ये CH3, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, एसिटाइल कॉलिन कॉलिन का स्ट्रक्चर होता है, इसको जो हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, ये एक न्यूरोन को दूसरे न्यूरोन में ये केमिकल क्रॉस करता है, ठीक है, तब जाके हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है सही तरीके से। तो ये देख रहे हैं इस तरह से ये चीजें 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको, ये हो गया आपको, इसके बाद में हम स्टडी करेंगे। ये तो आपको बायोलॉजिकल टर्म है एसिटाइल कॉलिन, ठीक है, कि आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है केमिकल से, जो कि एमिन का ही एमोनिया क्या बोलते हैं एमिन कंपाउंड कहलाता है। तो ये तो आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, जो मैंने बातें यहाँ पे लिखी है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बातें यहाँ पे लिखी है, ठीक है, कि ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में हमारा डिफाइन हो चुका है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आप क्या करो, इसको उतार दो, इसको स्क्रीन शॉट ले लो, ताकि आपको अमीन को पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीन शॉट आपके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि अमीन में जो है का जो क्लासिफिकेशन है, अमीन की जो क्लासिफिकेशन है, अमीन्स का जो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, उसके बाद नोमेनक्लेचर होंगे इसके, इसके नोमेनक्लेचर थोड़ा ध्यान में, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन से जरिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी जो आपने देखा, जो अमीन आपने अभी लिखा था, अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप, जैसे मान लें कि हम यहाँ पे फिर एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूँ कि CH3NH2, ये हो गया अल्काइल की जगह पे हम क्या किए, दो अल्काइल ग्रुप दिए। आइदर ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, दैट इज उससे कोई मतलब नहीं है। एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, ये तीन अल्काइल ग्रुप है, ध्यान देंगे आप, थ्री अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या बातें हैं, देखिए ध्यान दें, मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप और तीन अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जब एक अल्काइल ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा एमोनिया से, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप आया तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा एमोनिया से, और यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप आया तो तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा एमोनिया से, तब जाके इस प्रकार के अमीन्स बने। इस अमीन को बोलते हैं हम लोग एलिफैटिक अमीन। किसको क्या बोलते हैं? एलिफैटिक अमीन, एलिफैटिक अमीन, एलिफैटिक्स, एलिफैटिक अमीन। फैटिक्स का मतलब जान रहे हैं, फैट्स से संबंधित कुछ बातें होती है। एलिफैटिक अमीन है ये, कैसा अमीन है? एलिफैटिक अमीन। अब बात थोड़ा करते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स का किस तरह से बनाए एरोमेटिक अमीन। तो जब भी एरोमेटिक की बातें आती है, जनरली हमारे मन में एक बात आती है कि बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन और बेंजीन के बाल बच्चे या मैंने उसके डेरिवेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। बेंजीन और उसके डेरिवेट्स को क्या बोलते हैं? ये हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियरली है? अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने जितने भी फ्रेम किया यहाँ पे, आर जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, ये सब दिख रहे हैं आर है। यहाँ पे आप इथाइल भी लिख सकते हैं, मिथ इथाइल प्रोपाइल समथिंग, जो भी अमीन से यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, वहाँ पे क्या होगा जब एरोमेटिक अमीन आएगा तो वहाँ पे एराइल ग्रुप आएगा। एराइल ग्रुप का मतलब फिनाइल ग्रुप होगा, ठीक है, फिनाइल ग्रुप होगा, मतलब बेंजीन के आपका डेरिवेट्स तैयार होगा। यहाँ देखिएगा एरोमेटिक अमीन्स की मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन देखिए आप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप क्लासिफिकेशन उसका देखिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन देखो आप। यहाँ पे देख, ध्यान दें यहाँ पे बात को, कि अगर क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखना है आपको, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमेटिक अमीन आप कैसे बनाओगे। तो साधारण सी बातें हैं, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगाए थे हाइड्रोजन की जगह पे, वहाँ पे एराइल ग्रुप लगाएंगे, फिनाइल ग्रुप लगाएंगे, C6H5 लगाएंगे ग्रुप वहाँ पे। फिनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप बोला जाता है इसको, याद रखिएगा, फिनाइल ग्रुप हम बोलते हैं C6H5 को बोलते हैं। इसको एराइल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रुप को नाम हो गया, ये ग्रुप हो गया फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और ये हो गया आर जो था अल्काइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जिसे मान लें कि हमको बनाना है एरोमेटिक अमीन, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया,
ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपको ये ग्रुप लगा देना है। तो एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो ये ग्रुप लग गया, ठीक है, ये जो तैयार हुआ इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमिन। ध्यान देंगे, अमोनिया से आप क्या करो, दो हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है, दो हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ऐसा ग्रुप जो आएगा, ये वाला जो ग्रुप आने वाला है कितना आएगा, दो ठो आएगा, ठीक है, ये ग्रुप दो ठो आ जाएगा। तो ये जो बना है, ये जो बना है एरोमेटिक एमिन तैयार हुआ है, ये एरोमेटिक एमिन, ये भी एरोमेटिक एमिन। कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जितना हाइड्रोजन जितना निकालोगे, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एराइल ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और अपना ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी देना शुरू करेगा, ये कंपाउंड है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एरोमेटिक। क्लियर, एलिफैटिक और एरोमेटिक एमिन्स। हाँ, पूरे चैप्टर्स में क्या है ना कि पूरा चैप्टर है, कहीं भी चर्चा नहीं होने वाला है, क्या चर्चा नहीं होने वाला है, एसिडिक नेचर का कहीं भी चर्चा नहीं इस चैप्टर में। इसके पूरे चैप्टर में चर्चा होगा बेसिक नेचर का, ठीक है, आपको ओवरऑल व्यू में समझाना चाहता हूँ इस चैप्टर का कि अमोनिया तो बेसिक नेचर का है, ठीक है, देखिए कंसेप्ट लीजिए कहाँ पे है छुपा हुआ, अमोनिया तो बेसिक नेचर का है, तो अमोनिया से अमोनिया का ही डेरिवेट्स है एमीन, तो ऑब्वियसली बात है कि एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो या एलिफेटिक एमीन हो, जैसे मान लें कि ये एलिफेटिक एमीन है, ठीक है, ये एलिफेटिक एमीन है, ठीक है, ये एरोमेटिक एमीन है और ये अमोनिया है, तो ये चाहे ये सब जो इवॉल्व हुआ है किससे इवॉल्व हुआ है, अमोनिया से इवॉल्व हुआ है। अगर ये बेसिक नेचर का है, इसके जो पेरेंट बेसिक कैरेक्टर का है, तो इसके ऑफस्प्रिंग में क्या ये गुण नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, इसलिए कि हर जगह यहाँ अगर लॉन पेयर है तो यहाँ भी लॉन पेयर है, अगर यहाँ लॉन पेयर है तो यहाँ भी लॉन पेयर है, कोई भी अमीन लिखिएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, इसी के कारण तो अमोनिया बेसिक की नेचर है। अगर ये पेरेंट बेसिक कैरेक्टर का है, क्या उसके बाल बच्चे बेसिक कैरेक्टर का नहीं होगा, उसका गुण नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, तो ये भी बेसिक है, एलिफेटिक एमिन भी बेसिक है और एरोमेटिक एमिन भी क्या है, बेसिक नेचर का होता है, याद रखिएगा, पूरे चैप्टर बेसिक नेचर की स्टडी, एसिडिक नेचर का स्टडी नहीं होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ पे कोई भी बात एसिडिक नेचर का नहीं है। इसके प्रीवियस चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजेनिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल्स, एसिडिक की बातें हुई थी, लेकिन यहाँ पे ऑल टोटल चैप्टर्स क्या है, अमोनिया का डेरिवेट्स है तो ऑलरेडी टोटल कंपाउंड क्या होगा, हमारा बेसिक नेचर होगा। हाँ, ये हो सकता है, ये फाइटिंग चलेगा इस पूरे चैप्टर में, इसके वर्सेस एल्काइल एमीन, इसके वर्सेस ये फाइट करेगा, इसके वर्सेस ये फाइट करेगा, ये दोनों के बीच में फाइट होगा, ये दोनों के बीच में फाइट होगा, हो सकता है कि कोई ज़्यादा बेसिक, कोई कम बेसिक निकल के आए, ये बात अलग है, पूरे चैप्टर में इसी का अध्ययन है, पूरे चैप्टर में इसका अध्ययन है, कोई ज़्यादा कोई कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सब क्या है, बेसिक नेचर का है, यही थीम है इस चैप्टर का, ये सार है, समझ गए। तो ये हो गया आपका ओवरऑल, मैंने आपको समझाने की कोशिश की एलिफेटिक और एरोमेटिक्स। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, इतना एमीन का क्लासिफिकेशन। तो अगर हम एमीन को क्लासिफाई, आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर मैं एमीन को क्लासिफाई करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, तो एमीन का जो क्लासिफिकेशन है, ध्यान देंगे कि एक हो गया जैसे प्राइमरी एमीन, दूसरा सेकेंडरी एमीन, तीसरा है टर्सरी एमीन का मतलब ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। कैसे पहचानेंगे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, बड़ा आसान तरीका बताएंगे आपको पहचानने का। जैसे मान लें हम यहाँ पे लिख दिए CH3NH2, यहाँ पे लिख दिए CH3NH और CH3, यहाँ पे लिख दिए CH3 और CH3, ठीक है, ध्यान देंगे बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे करके किसी तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए NH2, कुछ भी चीज़ें यहाँ चलेंगे, ध्यान देना है बात को, मेरी बात को आप ध्यान देंगे। मान लें कि हम लिख दिए यहाँ पे इस तरह से, बहुत सारे अमीन को मैंने लिख दिया, 1, 2, 3, 4 सारे अमीन है। ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन एटम, खाली हाइड्रोजन एटम का आपको गिनना है और इस फॉर्मूले पे रख देना है, 3-n डिग्री पे रख देना है। एन क्या है, एन बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, दिमाग में बैठा लीजिए, एन क्या है इस फॉर्मूले में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। बताइए कि पहला में कितना हाइड्रोजन एटम है, 2 है,
दो हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे दो रखिए, थ्री माइनस टू क्या आ जाएगा, वन डिग्री। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन, एक, थ्री माइनस वन टू डिग्री। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन, एक भी नहीं, जीरो है, एबसेंट है, तो थ्री माइनस जीरो थ्री डिग्री, ये थ्री डिग्री, ये हो गया वन डिग्री, ये दो डिग्री, ये थ्री डिग्री। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन, दो है, थ्री माइनस टू वन डिग्री, वन डिग्री। यहाँ पर देखिए एरोमेटिक एमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, कितना हाइड्रोजन है, दो है, थ्री माइनस टू वन डिग्री। यहाँ पे एमीन क्या है, वन डिग्री है, एजिट क्लियर। ये थी इसकी क्लासिफिकेशन वन डिग्री। इसके बाद हम लोग जो क्लास करने वाले, इसके बाद जो आपको लेक्चर्स हम देंगे उसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, और उसके बाद एक क्लास का पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे एमीन, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी एक क्लास, उसके बाद बनेगा केमिकल प्रॉपर्टी की क्लासेस, समझ रहे। तो आई थिंक आपको जितना एमीन्स के बारे में आज जान पहचान करवाया, सारी चीज़ क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, कहीं भी आप फंसने की बातें नहीं है। आप कितना भी डिग्री, कहीं भी जाके आप डिग्री निकाल सकते हो, एमीन को पहचान सकते हो, एरोमेटिक कौन एमीन है, एलिफेटिक एमीन कौन है, सारी जानकारी आपके सामने मैंने रखा। आई थिंक आपको क्लियरली सारी बात समझ में आई होगी। अगर ये सारी बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी, इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया।